पूर्वी हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुल टूटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। केबल ब्रिज टूटने से 132 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। एसटीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। हालातों का जायजा लेने मौके पर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है इस हादसे का, मोरबी हादसे का। अब तक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, हालांकि कई वीडियो हम भी आपको लगातार जो सामने आ रही है वो दिखा रहे हैं। अब तक तकरीबन 132 लोगों की मौत मोरबी हादसे में हो चुकी है। डूबने की वजह से 132 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि अब पुल टूटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और लगातार कोशिश यही है कि जो लोग सकुशल बाहर निकाले जाएं उनको बचा लिया जाए। एसटीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और कोशिश लगातार लोगों को बचाने की जा रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल मौके पर पहुंचे हुए हैं हालातों का जायजा लेने के लिए। मोरबी हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। हालांकि दो वीडियो पहले भी सामने आए हैं, एक तो पुल टूटने से पहले का, वहां पर भीड़ कितनी ज़्यादा थी, लोग उस पुल पर चल रहे थे, और उसके बाद जैसे ही पुल टूटता है, पुल का एक हिस्सा टूटता है, जैसे ही एक हिस्सा टूटा तो पुल आकर नदी के अंदर गिर जाता है। पुल पर सवार सभी लोग पुल के साथ नदी में डूब जाते हैं। अब तक 132 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है मोरबी हादसे में। ये वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि हम आपको अभी अभी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुल टूटा है और लोग अचानक से नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए पुल टूटने की तस्वीरें आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। ये अभी अभी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है किस तरीके से पुल टूटा है। ये देखिए लोग आराम से खड़े हुए हैं, कुछ लोग फोन चला रहे हैं, कुछ लोग आराम से पुल पर चल रहे हैं, और जैसे ही पुल टूटता है तो लोग नदी में गिर जाते हैं। इस केबल पुल के साथ में लोग नदी में डूब जाते हैं। पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से टूटकर नदी में गिर गया और ये लोग इस पुल के साथ नदी में डूब जाते हैं। ये देखिए ये सीसीटीवी फुटेज अभी अभी सामने आया है जो कि हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इसी तरह से गिरकर 132 लोगों की मौत हो चुकी है। नदी में डूबने की वजह से 132 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इस पुल पर लोग खड़े हुए हैं, अचानक से पुल टूट जाता है, लोग इस पुल के साथ नदी में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, और पुल भी साथ ही साथ। हालांकि ये पुल पहले से ही हिलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं, पर्यटन स्थल के तौर पर भी इसको जाना जाता है। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने आ रही है वो जानकारी ये भी है कि काफ़ी समय से ये पुल बंद पड़ा हुआ था, संचालित नहीं था, लोगों के आवाजाही की इजाज़त इस पुल पर नहीं थी। हालांकि अभी एक दो दिन पहले ही ये पुल खुला था, लेकिन एक दो दिन बाद ही पुल टूट जाता है। लोग इस पर मौजूद हैं, ये पुल टूटने से पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और कैसे पुल टूटा, लोग नदी में डूबे पुल के साथ, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और ये राहत बचाव कार्य की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। एसटीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। नदी में जो लोग डूबे हुए हैं उनको सकुशल बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एसटीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत पहुंची, नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उन लोगों को खोजने की कोशिश, उन लोगों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है जो लोग नदी में डूबे हैं। हालांकि कुछ लोगों को बचाया भी गया है, अब तक गंभीर घायल हैं वो लोग जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, और 132 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके शव यहां से बरामद किए गए हैं। ये देखिए बेहद दर्दनाक हादसा है ये जो आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दर्दनाक घटना कहा जाएगा इसको, क्योंकि लोग बहुत आराम से इस पुल पर खड़े होते हैं, इनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कुछ सेकंड के अंदर, मात्र कुछ सेकंड के अंदर इनकी ज़िंदगी चली जाएगी और ये अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे। इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, इनके परिजन घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे, और हंसी खुशी ये लोग इस पुल पर मौजूद थे। अचानक पुल टूटता है और नदी के अंदर ये लोग गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। हालांकि एसटीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है, लेकिन बहुत देर उनको आने में तब तक हो गई, 132 लोगों की मौत तब तक हो चुकी थी।